हाउ टू डील विद इंटरव्यू एंजाइटी। अब बहुत बार हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वहां जाके उल्टा पुल्टा बोलाते हैं। हमें आता भी होता है लेकिन हम कुछ ऐसा बोलाते हैं जिसकी वजह से हम सिलेक्ट ही नहीं होते। तो आपको भी इंटरव्यू देने से पहले या ग्रुप में कोई बात करने से पहले घबराहट होती है, कैसे उससे डील करना है? और अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें ताकि कल जाके कुछ गुड़ 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 ना कर पाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज इस वीडियो में बताऊंगी इंटरव्यू से जुड़ी घबराहट या नर्वसनेस को कैसे धक्का मारें और कैसे कॉन्फिडेंटली अपने इंटरव्यू को क्लियर करें। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि इंटरव्यू में किन चीजों का ध्यान रखें और अपनी एंजाइटी पे कैसे कंट्रोल पाएं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको प्रिपरेशन करनी जरूरी है। अगर आप ऐसी मूड होकर सुबह चले जाएंगे कि यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैं बोल दूंगा, तो डेफिनेटली आपको घबराहट होने वाली है। हमेशा समझें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज आपको हो। जो आपका रिज्यूम है, मतलब जिसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स लिखी है, उसको वर्ड बाय वर्ड वो सच हो और आप उसको जानते हो, ताकि अगर आपके रिज्यूम में से वो आपसे कुछ पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल पहले की किताबें पढ़ने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो लिखा है या आप जो बोल रहे हैं उसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रट्टा मारने जैसा नहीं, जेन्युइनली आप चाहे हिंदी में बोलें चाहे आप इंग्लिश में बोलें, लेकिन अगर आप सही से कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो आपको घबराहट नहीं होगी। दूसरा, जो इंटरव्यूअर है वो भी समझेगा कि आपके लॉजिक्स करेक्ट हैं, आपका एटीट्यूड परफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिर्फ लैंग्वेज में इशू है जो समय के साथ करेक्ट हो सकती है। इसलिए प्रिपेयर जरूर करें। जैसे आज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कुछ ऐसी वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसमें आपको किस तरीके से आंसर देना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट स्ट्रांग हो। दूसरा, हमेशा समझिए कि जब भी आप कभी भी इंटरव्यू देना चाहेंगे तो कोशिश करें कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। अगर आपको लगता है मुझे बहुत घबराहट हो रही है, वहां पे आधा आधा पौना पौना घंटा वेट करना पड़ता है और पता नहीं कोई कुछ जवाब भी नहीं देता है, मुझे घबराहट होती है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको कहीं लेटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक चेयर पे बैठी हूं, आप ऐसे बैठ सकते हैं, लंबी सांस लें और चार तक की गिनती करें, 1 2 3 4। उसे 2 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर 4 की गिनती पे धीरे 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 इसको रिलीज करें। फिर 2 सेकंड का गैप दें, फिर 4 की गिनती तक सांस को खींचें, फिर 2 सेकंड का होल्ड करें और 4 की गिनती तक सांस को बाहर निकालें। इस तरह की अगर आप ग्राउंडिंग और ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी एंजाइटी, स्पेशली जब आप बाहर बैठे हुए हैं या मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अब जब आप बाहर बैठे हैं, 10 लोगों से बात कर रहे हैं, वो बोले यार बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यूअर है, सिलेक्शन होने ही नहीं वाला, तो हमेशा खुद से पॉजिटिव बातें करें। गलत नहीं, यार हो नहीं पाएगा, बहुत लोग रिजेक्टेड हो रहे हैं, इतना सुंदर सा था, इतना स्मार्ट था, उसी को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को तो कोई क्यों करेगा। तो हमेशा खुद से बात करें, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैंने इस जॉब के लिए तभी अप्लाई किया क्योंकि मैं अपने आप को एलिजिबल मान रहा हूं, तो क्यों नहीं, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। जितना आप अपने आप से डिग्रेडिंग बात करेंगे, क्योंकि दुनिया बैठी है आपको डिग्रेड करने के लिए, जितना खुद से आप अच्छी बातें करेंगे उतने आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके क्लोथ्स भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होने चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट प्रेस्ड कपड़े आपको पहन के जाने हैं। जब आपको पता है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो शर्ट पहन के जाए, या फीमेल्स भी शर्ट चाहें तो वो पहन सकती हैं। ट्राउजर्स को ऑप्ट करें रादर देन कोई कटी फटी डेनिम आप पहन के जा रहे हैं। आप चाहें तो प्रोफेशनल स्कर्ट्स फीमेल भी पहन सकती हैं। टाई का अगर आप यूज करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। हर चीज जितनी आप प्रेजेंटेबल लगेंगे उतना इंपॉर्टेंट है। दोज हु डोंट गो सैलून बिफोर की क्या जरूरत है कटिंग करने की या थोड़ा सा ग्रूमिंग की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके फेस पे कहीं भी आंसू या पसीना नहीं दिखना चाहिए। एक हैंडकरचीफ हमेशा साथ में कैरी करें। शूज का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर आपके शूज अच्छे हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं। तो आपके शूज प्रॉपरली पॉलिश्ड हों, या फीमेल के जो भी सैंडल्स हैं, या आपके नेल्स बहुत ज्यादा ग्लिटरी वगैरह ना हो, कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल लुक आप वहां पे इम्पार्ट कर पाएं। नेगेटिव कमेंट से बहुत ज्यादा बचें। बहुत लोग आपके आके शायद जरूर बोल सकते हैं कि यार यहां कुछ नहीं होने वाला है, इट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा रिलेट करें, क्या ये फैक्ट है, ऐसा हुआ है कि उसको पहले से ही पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सो इट्स नॉट फैक्ट,
डोंट बिलीव दैट। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अब आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो बिल्कुल निडर होके पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ सारी प्रिपरेशन के साथ जाएं, ताकि आपको कभी भी घबराहट ना हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को हर इंटरव्यू में घबराहट होती है, मोर ओवर मेरी लाइफ में कभी भी किसी के सामने बोलना होता है मुझे घबराहट शुरू हो जाती है और मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल पाता हूँ और मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये सोशल एंजाइटी हो सकता है। और सोशल एंजाइटी के लिए सिर्फ थेरेपीज ही काम करेंगी, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो समझे कि कहां तक एंजाइटी और कहां तक सोशल एंजाइटी। सोशल एंजाइटी पर भी मेरी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। चाहे तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं www.drnehamehta.com। बने रहे, जुड़े रहे, इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत जल्दी एक और वीडियो, कोई टॉपिक है आपको लगता है डॉक्टर नेहा इस पर वीडियो बनाए, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।